अध्यात्म और जीवन, इस विचार को लेकर स्पिरिचुअल कोच दीप्ति गेरोला ने वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। वर्कशॉप में पुणे के स्पिरिचुअल गुरु जयंत विशेष तौर से आमंत्रित थे। वर्कशॉप में आत्मा, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, मस्तिष्क, ध्यान, योग आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। दीप्ति गेरोला ने संतुलित जीवन क्या है, उसे किस प्रकार से पाया जा सकता है, वह किस तरह से सुपर पावर्स के साथ संपर्क साधकर जीवन को सुगम बनाया जा सकता है, जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। कई चीज़ें जो हमारी पास्ट लाइफ से आ रही होती हैं, वो इस लाइफ में हमारे डीएनए के साथ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हम प्रेजेंट लाइफ में भी लेकर आते हैं। सो कभी कभी हमें लगता है कि इस जन्म में हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम सबके लिए अच्छे हैं, हम सबके लिए अच्छा करते हैं, हम चैरिटी करते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सो वो क्यों हो रहा है, आपको नहीं मालूम कि आपने पिछली लाइफ में किसका क्या बुरा किया या किसी ने आपको क्या कर्स दिया था पिछली लाइफ में। सो ये चीज़ें हम माइंड साइंस हिप्नोथेरेपी के ज़रिए जान पाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस दबा हुआ है, कॉन्शियस माइंड को हमने इतनी पावर दे दी है कि सबकॉन्शियस जो कि पावर हाउस है 88-90%, उसको कोई नहीं जगा रहा है। सो ये जगाना हम करते हैं। पेट में दो चक्रा होते हैं, एक होता है ऊपर वाले पेट में, दैट इज सेक्रल चक्रा, और एक होता है सेक्रल चक्रा इज नीचे, ऊपर वाला जो होता है वो सोलार प्लेक्सस होता है, उसमें लिवर, डाइजेशन, ये वाली सारी प्रॉब्लम आती है। जो सेक्रल चक्रा होता है, जो नीचे वाला होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू आर सेक्सुअल चक्रास, जिसकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती, जिसको अब्यूज़ किया जाता है, जो रेप विक्टिम्स होते हैं, सो ऑल दीज थिंग्स इफेक्ट द सेक्रल चक्रा। जिसको अच्छे लविंग एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है, कई बच्चों को ऑर्फन्स में अगर आप जाओ, ऑर्फनेज में अगर आप जाओ, उनका हार्ट चक्रा हमेशा ब्लॉक्ड होता है, उनको या तो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, जो बच्चे अब्यूज़ हुए होंगे उनको सेक्रल चक्रा का प्रॉब्लम हुआ होगा। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखा जाता है, चुप रहो, बोलोगे नहीं, अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होगा। जब साइंस प्रेजेंट लाइफ में हमें कुछ नहीं बता पा रही है, तो हमें पिछली लाइफ में जाके उसको डील करना होता है। दिस इज़ व्हाट माय कॉन्सेप्ट इज़, कि जिन लोगों को इस लाइफ में अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, उसकी कहीं ना कहीं से तो प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आई है, क्यों मैनिफेस्ट करी है हमारी बॉडी ने, सो मे बी समथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। लव एट फर्स्ट साइट होता है, आपने उस बंदे को पहली बार देखा और आप पागल हो गए उसके लिए, क्यों? बिकॉज शायद पास्ट लाइफ में यू बोथ वर लवर्स, बट इस लाइफ में उसकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी और के साथ, आई विल हैव मैरिज विद दिस फीमेल, इसके साथ मेरे को इस जन्म में कुछ नहीं करना है, बट वो तो अटकी हुई है उस जन्म से, वो तो पागल हो रखी है उसके पीछे, कोई ब्लेड से हाथ काट रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। सो ऐसे जो केसेस होते हैं वो अगेन पास्ट लाइफ इश्यूज। बी इमोशनल, बी गुड टू पीपल, बी सेंसिटिव, बट डोंट बी एन इमोशनल फूल। वी शुड नेवर कर्स, चाहे हमारा कोई कितना भी नुकसान कर दे, आपने उसको कर्स किया और मैं देखूंगा तुझे, तू कभी फ्लरिश नहीं करेगा, तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आपने दो चीज़ें कर दी, एक तो उसको कर्स किया, अपने ऊपर नेगेटिविटी ले ली, दूसरा आपने क्या बोला, मैं देखूंगा तुझे। तो हर जिंदगी में जब वो गड्ढे में गिर रहा होगा, आप उसको देखने के लिए वहाँ पर ज़रूर होंगे, और जब वो गड्ढे में गिर रहा है तो क्या आप अच्छी जगह हो सकते हो? आप भी गड्ढे के चारों तरफ ही हो कहीं ना कहीं, किसी नेगेटिव चीज़ में। सो यू शुड नेवर से रॉन्ग टू एनीबडी। एवरी डिजीज़, एवरी इशू, एवरी सिचुएशन इज़ मेड हियर, यहीं बनती है, यहीं से ख़त्म होती है, ठीक है? तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हम हिप्नोथेरेपिस्ट गिव नो मेडिसिन एट ऑल, हम आपको उस सेशन से ही ठीक कर देते हैं। देर आर ऑल्सो केसेज वेर आई हैव रिलीज स्पिरिट्स, मैनी स्पिरिट्स फ्रॉम पीपल एंड हाउसेज। सो आई डू सोल टॉक, अगर कोई कोमा में है या किसी को मेनिनजाइटिस टाइप, दिस इज़ अभी मेरा रिसेंट केस चल रहा है, सो आई डू द हीलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, आई डू द सोल टॉक विद पीपल। सो दिस इज अवेयरनेस आई वॉन्टेड टू गिव एवरीबडी, कि अगर आपके जान पहचान में किसी को ऐसी ज़रूरत हो तो यू कैन टेल, पता होना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं। हम अगले जन्म में जो किया उसको पूरा करने के लिए आगे जन्म लेते हैं, उसके आगे एक जन्म लेते हैं, तो हम कितने सालों से मनुष्य अवतार में आते ही जाते हैं, मगर हम सीखते नहीं हैं। हमारे एक ही टाइम पर एक ही लाइफ नहीं होती, 12 रूप होते हैं एक इंसान के, एक सोल के। सो अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो मेरे 11 सोल के पार्ट्स किसी अलग अलग प्लैनेट्स में हैं। तो जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, मेडिटेशन का रीज़न क्या होता है, वी हैव टू कनेक्ट विद आवर इनर सेल्फ, बट इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज एवरीबडी डजेंट नो। आँख बंद करके बैठने से मेडिटेशन नहीं होता है, ओम ओम करने से मेडिटेशन नहीं होता है। आर यू फीलिंग दैट कनेक्ट? क्या आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? यहाँ पे कितने लोग हैं जो बोल सकते हैं
झंडा गाड़ के कि मैं खुश हूँ अपने। और हम ये चाहते हैं अभी इन फ्यूचर भी हम इनके टच में रहें, ताकि थोड़ा सा फ्यूचर ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में और जानकारी हमें। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, मैं तो कहूँगी कि मतलब हर छोटे बच्चे से लेके बड़े तक हर को ज़रूरत है इसकी स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि अभी किसी भी सोल में पावर नहीं है, वो ईगो में और जो है ना लस्ट में सब में इन्वॉल्व है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसको एक चाहिए, मेडिटेशन चाहिए। गोल्डन लीफ का नवंबर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ इंटरनेशनल टीचर, हमारे जो टीचर है हम उसको गुरु नहीं बोलते हैं, वो खुद हम बोलते हैं कि हम गुरु नहीं हैं, हम टीचर हैं। तो ये इंटरनेशनल टीचर है मिस्टर रे चंद्रन, उनका अभी स्पिरिचुअल नाम है इरहान रे चंद्रन, वो आ रहे हैं। फॉरेन से करीबन 80 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, इंडिया से भी करीबन काफ़ी लोग आ रहे हैं, और वो काम होगा कुंडलिनी अवेकनिंग का। द कुंडलिनी अवेकनिंग यानी कि हम सब में एक सरपंच पावर पड़ा हुआ है, मगर वो सुषुप्त अवस्था में है, तो उसको जागृत करते हैं। जैसे उसको जागृत करते हैं, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कुंडलिनी पावर अपने अंदर के जो कार्मिक एनर्जीज है उसको बैलेंस करती जाती है, और जैसे ही वो बैलेंस करती जाती है तो बंदा अपने कर्मों के बोझ से मुक्त होता है, और उसकी जागृति बढ़ती है कि मैं एक सोल हूँ और मेरा सही काम क्या है, ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आई वॉन्ट टू स्प्रेड इन ईच एंड एवरी फैमिली। हमें दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें रूट कॉज पता चल जाए, हमें किस तरीके से उसको ठीक करना है वो पता चल जाए, तो वी डोंट हैव टू रश टू द डॉक्टर्स रनिंग फॉर मेडिसिंस। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी फिट एंड फाइन मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। आई एम डूइंग फ्री सेमिनार्स इन स्लम्स, इन ऑर्फनेजेस, इन ओल्ड एज होम्स, एंड दिस इज़ अ क्लब हाउस ऑफ अ सोसाइटी। सो दिस इज़ माई effort.